माननी पड़ेगी कि ये जो सीरियल्स होते हैं ना, सुपर नेचुरल सीरियल्स, इनके चक्कर में आपकी और हमारी वोकैबुलरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब सीरियल नजर को ही ले लीजिए, यहाँ पर डायन वंशी और रिवा वंशी के बीच में फंस गए बेचारे पिया और अंश। न जाने इस तिलस्मी तलवार में ऐसा क्या है जिसके पीछे ये दोनों ही पड़े हैं। बड़े से समंदर में तलवार खोजने निकला है डायन का बेटा डावंश यानी कि अंश, जिसके पीछे उसी की माँ यानी डायन मोहना पड़ गई है। तो उसकी दैविक पत्नी पिया अपने ही पिता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि वंश को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ घर से तीर चलाकर समंदर किनारे तलवार खोजकर निकले वंश को कैद कर लिया। मगर इस बात का फायदा तो डायन ने उठा लिया है। डायन के हाथ लग गई है वो तलवार, वही तिलस्मी तलवार जो रिवावंशी को भी चाहिए और डायन मोहना को भी। तलवार से सब कुछ कर सकते हैं आप, मतलब मैं और पावरफुल बन जाऊंगी। कोई भी, जैसे मुझे अभी अंश के विंग्स चाहिए थे, तो उससे मतलब मैं सिर्फ अपना पावर्स बढ़ाना चाहती हूँ। जो मेरे पास नहीं है वो सारे पावर्स मेरे अंदर आ जाएगी, तो आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मोहना हाथ में तलवार लेकर खुश हो रही थी, मगर वो कहाँ जानती है कि असली तलवार तो अभी भी अंश के पास ही है। मोहना के हाथ तो नकली तलवार लगी थी, कुछ ऐसे ही रिवावंशी दिव्या के हाथ भी नकली तलवार है। तो दोनों मिलकर पहुंच गए अंश और पिया के घर और नकली तलवार फेंक कर असली तलवार देने की मांग करने लगी। और अब असली तलवार पाने के लिए दोनों दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है, तो अब अंश पिया की फैमिली के लिए खतरा बढ़ गया है। कहते हैं ना कि जब दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त हो जाता है, तो अभी राइट नाउ डायन वंशी और रीवा वंशी दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं और वो अंश जो है हमें नहीं दे रहा है, तो हम दोनों मिलकर, तो दो दुश्मन मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराने की कोशिश में जुट गए, क्योंकि दोनों का इससे लगाव है, एक का दामाद है एक का बेटा है, तो दोनों उसके दोनों के ही करीब है। तो आई थिंक हम दोनों जब माँ और सास दोनों साथ में मिलेंगे तो शायद कुछ इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। जो भी उस तलवार से पहले खून बहाएगा वो जो जंग है वो जीत जाएगा, और सामने वाला जो वंश है जिसका खून बहेगा वो वंशी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर रीवा वंशी डायन वंशी को उस तलवार से अटैक कर देता है और डायन वंशी का खून बह जाता है तो डायन वंश खत्म हो जाएगा। हम दोनों को जब पता चला था इस तलवार की ताकत, तब हमने यही सोचा था कि ये तलवार को छुपाना ही बेस्ट होगा, क्योंकि जो युद्ध सब कुछ खत्म कर दे वैसा युद्ध हम करना ही नहीं चाहेंगे। अब ये तिलस्मी तलवार सच्ची वाली किसके हाथ लगेगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा और कहानी में कितने तिलस्मी ट्विस्ट आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे और निशी मिश्रा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।